दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 का यूपीएससी का रिजल्ट फाइनल हो चुका है और इसमें टॉप किए हैं आदित्य श्रीवास्तव ने। आज का समय तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंजीनियर लोग हैं ना उनका ही दबदबा चल रहा है आज के समय में यूपीएससी में। तो इसका क्या मतलब हो गया, यदि मुझे अपने बच्चों को यूपीएससी कराना है, यूपीएससी टॉप कराना है, यूपीएससी क्लियर कराना है, तो क्या मुझे पहले इंजीनियरिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या है इसका फ्यूचर? एक चीज़ जो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा सा बैरियर के तौर पर, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। शायद ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो कि इसमें फैक्टर के तौर पर आ सकती। देखिए आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने टॉप किया है और जो कि हाल फिलहाल में गोल्डमैन सैक्स जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है यहाँ पर काम कर रहे थे, अब उन्होंने बोल दिया ये जो टेबल में बैठे बैठे कि जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, जो कि इंजीनियर थे, अब मैं यहाँ से छुट्टी चाहिए मेरे को। तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था 2023 का, जिसको कंडक्ट कराया गया था यूपीएससी के द्वारा, इसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है ट्यूसडे के दिन। अब उन्होंने बोला है कि भाई अब मैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। नॉर्मली देखा जाए जो आदित्य श्रीवास्तव हैं बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से, मिस्टर श्रीवास्तव हु हेल्स फ्रॉम लखनऊ, इन्होंने ही टॉप किया है एग्जामिनेशन में और ये उनका थर्ड अटेम्प्ट था। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वो आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं हैदराबाद में, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है एग्जामिनेशन को सेकेंड अटेम्प्ट में एज वेल एज। इनसे जब पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया था, तो उनका कहना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यदि आप एग्ज़ाम को, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इसमें कंसिस्टेंसी लगातार लगातार लगातार, जैसे कुआं में, कुएं के ऊपर जो लकड़ी डाली जाती हैं उसमें से महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं, रस्सी बार बार रस्सी से खींचा जाता है बाल्टी को, और वो उस पार्टी से होते हुए घिस घिस के आप देखेंगे उसमें लाइनें पड़ जाती हैं, गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। अब फिर उनको पानी खींचने में कोई दिक्कत नहीं जाती क्योंकि रस्सी इधर उधर अब नहीं फिसलेगी। ठीक इसी प्रकार से ये एग्ज़ाम भी है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आदित्य श्रीवास्तव का कहना है कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही चीज़ मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। अब मुझे कुछ कुछ किताबें, जैसे डायनासोर से रिलेटेड किताबें हैं, ये मेरे को थोड़ा पसंद थी। फैक्ट वाली बात ये है, मेरे इंटरव्यू की ही बात करें, मैंने इस चीज़ का मेंशन भी किया था पैनल को, ठीक है, जो पॉपुलर मूवी थी जुरासिक पार्क इज नॉट एक्यूरेट, ऐसा श्रीवास्तव का कहना है। उन्होंने ये भी ऐड किया था कि मैं इस रैंक तक पहुंच पाया हूं, ये जो मेरी जर्नी रही है ये अप एंड डाउन से रही है, एंड उनकी एडवाइस रही है एस्पायरेंट लोगों को, ठीक है, कि प्रीवियस अटेम्प्ट से आपको सीखने की ज़रूरत है, यदि आप पहले फेल हुए हैं तो उससे आप सीखिए। तो टोटल यूपीएससी के हम रिजल्ट की बात कर लें तो देखिए 1016 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, इसमें 664 मैन हैं और 352 इसमें लड़कियां हैं। इतना रिकमेंडेशन दिया गया था कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस सर्विसेज, अलग अलग सर्विस के लिए टोटल 1016 पद निकाले गए थे। इसमें भी बोला जाता है कि जो टॉप 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं इनमें से 10 तो महिलाएं हैं, ये तो ये बहुत अच्छी बात है, और 2 उनमें से भी ऐसे हैं जो कि टॉप 5 में रही हैं। मतलब लड़कियों का दबदबा आज के समय में चल रहा है। पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे टाइम में लड़कियां उतने ज़्यादा पढ़ाई में आगे नहीं रहती थी, ज़्यादातर हमारी क्लास की ही बात कर रहे हैं तो लड़के उनसे कहीं ज़्यादा आगे रहते थे। अनिमेश प्रधान की बात करें, ये तलचर उड़ीसा से हैं, ये भी एक बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इन्होंने पढ़ाई करी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से, इनको सेकंड रैंक मिला है एंड इन्होंने क्लियर किया था इनके एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो इनका जो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बैठना चाइल्डहुड का ही ड्रीम रहा है, एंड बोला जाता है कि करियर डिसीजन कैसे करके मैं लिया, तो चाइल्डहुड में ही
ये जो माहौल बन रहा था रूरल उड़ीसा में ना, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कहना चाहिए सीख मिली थी। अब मैं उड़ीसा जैसी जगह से पला बढ़ा एंड मैंने जो है बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस देखी हैं मेरे आसपास में। एंड बोला जा रहा है कि अब मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ मेरे खुद के स्टेट में, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसमें मैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। आगे बोला जाता है कि एस्पायरेंट के तौर पर बोला जाए, उनका सजेस्टिंग है कि आपको कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल, इसका मतलब ये है, देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक आने वाले हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू ट्राई करते रहना है, आप चढ़ते जाइए, ठीक है, जब तक आपको आशा की किरण दिख रही है, एंड आपको लड़ते रहना है बैटल में, ऐसा कहना है मिस्टर प्रधान का। बोला जाता है मिस्टर प्रधान यूज टू प्रैक्टिस फ्री स्टाइल डांस विथ ए ग्रुप ऑफ डांसर्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वहीं यदि हम डोनरू अनन्या रेड्डी की बात करें, जो कि एक ग्रेजुएट हैं जियोग्राफी से, इन्होंने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, इनको तीसरे नंबर की पोजिशन मिली है। एंड बोला जा रहा है इन्होंने जब अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था वो एंथ्रोपोलॉजी लिया था, और ये कहाँ से हैं, ये हैं महाभुनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से। एंड इन्होंने प्रिपेयरिंग चालू कर दिया था सिविल सर्विस की अपने खुद से ही, और उनका कहना है कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस रही थी कि मैं रैंक हासिल कर ही लूँगी, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहिए वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन कम से भी कम फर्स्ट 3 में तो आ गई, ये बड़ी बात है।